हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक की सेविंग अकाउंट की वेलकम किट के बारे में। मैंने एक हफ्ते पहले एक अकाउंट खोला था, HDFC रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसकी वेलकम किट मेरे को मिल गई थी। इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, पर मैं कुछ डिटेल पहले बता देता हूँ। ये अकाउंट मैंने ओपन किया था एक हफ्ते पहले, उसी दिन मैंने इंस्टेंट वीडियो KYC करवा ली थी। वीडियो KYC होने के बाद मेरे को 5 से 6 दिन में ये किट मेरे को घर पर रिसीव हो गई। इस किट में क्या क्या मिलता है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये कार्ड अकाउंट मैंने रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन किया है। आप इसके सारे वेरिएंट में कोई भी वेरिएंट आपको जो मैक्स है या खोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने रेगुलर किया, मेरे को रेगुलर की रिक्वायरमेंट थी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और सारे आगे फीचर्स बेनिफिट भी उठा सकते हो। इस वेलकम किट में क्या क्या है वो भी बताऊँगा। इसको कितने दिन में आया वो मैंने बता दिया। इसके फीस एंड चार्जेस ATM कार्ड में कितने लगेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे, आगे सारी प्रोसेस करते हैं अनबॉक्सिंग पे। तो सीधा चलते हैं अनबॉक्सिंग पे। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो किट मिला है, सिर्फ एक ही किट में सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने इसको पहले काट दिया था, अब इसको बाहर निकालते हैं और क्या क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। तो आप पहले देखते हो तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन मिलेगी जो सेविंग अकाउंट की है, फिक्स डिपॉजिट, ATM, करंट, सारी की सारी जो बैंक के फीचर्स है उसकी टर्म एंड कंडीशन है। आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। इसके बाद इस पर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। ये कोड ऑफ बैंकिंग कंडक्ट है कस्टमर के लिए, क्या क्या बैंक कस्टमर के जो रूल्स है और क्या कस्टमर के जो हक है जो बैंक से आप कर सकते हो कमिट, उसके लिए है। उसके बाद आता है फीस एंड चार्जेस, ये कौन सा अकाउंट है, आपको कितना मेंटेन करने पड़ेगा, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें ही लिखा हुआ है, मेरे पास जो रेगुलर अकाउंट है तो मेरा उसमें 5000 MAB आपको मेंटेन करना पड़ता है, 10000 MAB मेंटेन करना पड़ता है। आपकी कौन सी ब्रांच है, सेमी अर्बन, रूरल, मेट्रो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपके कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, ATM कार्ड के क्या चार्जेस है वो भी लिखे हुए, सारी बातें आप देख सकते हो। इस में आपको कौन सा कार्ड मिलेगा, कितने चार्जेस है, मेरे को कौन सा कार्ड मिला वो भी बात करूँगा इसमें। ये हो गए फीस एंड चार्जेस। ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और क्या क्या आपको ट्रांजेक्शन मिलते हैं जो ATM यूज़ करने के, उसके बारे में बात करने वाले। जैसे आप सेविंग अकाउंट है उसमें अदर बैंक के ट्रांजेक्शन है आपको 5 फ्री मिलेंगे और HDFC के भी आपको फ्री ट्रांजेक्शन 5 ही मिलेंगे पर मंथ। अब ये है चेकबुक, जो कुछ इस तरह की आती है, नॉर्मल से पेज है, आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप मंगा सकते हो, पर उसके आपके वेरियंट के अकॉर्डिंग चार्ज भी लगेंगे। अगर फ्री है तो फ्री मिलेगी, बाकी चार्ज होंगे चार्ज मिलेगा, सिंपल सी चेकबुक है। अब मेन आता है इसका डेबिट कार्ड, तो मेरे को कौन सा डेबिट कार्ड मिला उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो मेरे को मिला मिलेनियम डेबिट कार्ड, देख सकते हो आप। इसका जो मेन कार्ड है मिलेनियम डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, जो इसने अभी बहुत ही प्रमोट किया और अभी लॉन्च किया, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का HDFC की ब्रांडिंग है, मिलेनियम की ब्रांडिंग है, डेबिट कार्ड है, कॉन्टेक्टलेस है, मास्टर कार्ड प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे आपको नंबर जो ATM के डिजिट है वो पीछे लिखे मिलते हैं, जैसे भी दूसरे बैंक के ATM में आप देखते हो तो आपको आगे देखने को मिलता है पर इसमें पीछे लिखते हैं। इसकी लिमिट्स की बात करें तो आपको कुछ 3,50,000 की लिमिट मिलेगी पोस्ट मशीन विड्रॉल पे और 50,000 ATM विड्रॉल की लिमिट मिलेगी। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स बेनिफिट इस ATM में क्या मिलता है। आपको साल में 4,800 रुपये तक का आप कैशबैक कमा सकते हो एवरी ईयर। 5% कैशबैक मिलेगा पेजैप और स्मार्ट वाई पे आप शॉपिंग करते हो तो। 2.5% कैशबैक मिलेगा अगर ऑनलाइन ऑल स्पेंड पे। बाकी 1% कैशबैक मिलेगा ऑफलाइन स्पेंड पे, पर आप मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये तक का कैशबैक कमा सकते हो। और ये 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करते हो, एनुअली डोमेस्टिक है, ये इंटरनेशनली नहीं है। इसके साथ आपको पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर मिलता है 10,00,000 रुपये तक का, इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट मिलता है 1 करोड़ तक का, और 0 cost लाइबिलिटी है 4,00,000 तक की अगर आपका खो जाता है और आप इसको तुरंत बैंक में इन्फॉर्म कर देते हो तो। ये सारे सब है मेजर बेनिफिट है इस कार्ड के। और बाकी तो सब वही टर्म एंड कंडीशन, जो आपको एड्रेस वेड्रेस, और ये मेरी पासबुक आपको मिल जाती है। HDFC आपको पासबुक साथ में ही प्रोवाइड करती है, देख सकते हो कुछ इस तरह की पासबुक होती है। और कुछ भी जानकारी चाहिए किट के बारे में, और मैं बता दूँ मिलेनियम जो डेबिट कार्ड है उसकी फीस है, एनुअल फीस है और ज्वाइनिंग फीस 500+ GST अलग से लगेगा हर साल, इसको रिन्यूअल नहीं करेंगे। पर आप अगर सेविंग मैक्स और उसके ऊपर का वेरिएंट ओपन करते हो तो आपको कोई फ्री में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई करिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिए। आपकी अपनी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।